द्वारका के रेडिसन ब्लू होटल में कला भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स की तरफ से कला प्रदर्शनी लगाई गई। ये कला प्रदर्शनी पिछले 13 सालों से हर साल लगाई जाती है, कला भूमि जिसका आयोजक रहता है। और इस बार कला भूमि के इस प्रदर्शनी में हरियाणा के तमाम देसी कलाकार भी शामिल हुए। ये कला भूमि एक आर्ट फाइन आर्ट की संस्था है जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सम्मिलित किया गया है। और इसके बाद कला भूमि ये लगातार प्रदर्शनी लगाती है। नज़ारा आप देख रहे हैं दिल्ली के रेडिसन ब्लू होटल का, जहां पर कला भूमि द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी बेहद खास इसलिए भी रही कि यहां पर हरियाणा के तमाम नामी सिंगर्स भी पहुंचे, जिन्होंने इस कला प्रदर्शनी में होने वाले आयोजनों की शान बढ़ाई। इस इवेंट पे आप पहुंचे हैं, आर्ट एग्जीबिशन यहाँ हुआ है, तमाम सांस्कृतिक परफॉर्मेंस में क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले कला भूमि की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ऐसी एक्टिविटी हर 6 महीने में होनी चाहिए, इस साल में करते मैं तो कहूँगा कि 6 महीने में होनी चाहिए। इसलिए एक आर्टिस्ट के अंदर को जो जुनून है, एक चाहे वो राइटर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो आर्ट हो, है ना, तो इनको इनके अंदर एक जुनून सा आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में एक्टिव होंगे। और मैं सिर्फ 2 लाइन यही बोलना चाहूँगा, जेड ब्लैक शीशे गाड़ी काली रख रे, लोड बत्ती गोरी दुनाड़ी रख रे, भैया जी से यार जान देने भी त्यार, एक बिना बंदा पजाई रख रे। थैंक यू सर। इसके बारे में दो इधर सर कैमरे की तरफ देखिए, दो लाइन हमारे दर्शकों को। सर इवेंट जो है हमारे अच्छा करते रहते, अच्छा काम करते रहते, उनको बहुत सारी बधाई। हमेशा ऐसे मेला लगता रहे आप सभी का, मैं कुछ गा लेता हूँ सर के लिए। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा, तेरे जैसा कोई हमको मिला, लगाया दिल बहुत पर दिल लगानी। सर आज आप यहाँ कला भूमि मंच पे पहुँचे हैं, किस तरीके का अनुभव रहा इन बच्चों के साथ आपको? बहुत अच्छा लगा, ये कला भूमि सही है, कला भूमि है जिसके अंदर बहुत सारे बीज और आर्टिस्ट भी आए हैं, और सही है लगता है जैसे ये बीज है आगे चल के बहुत फल फूलेंगे। ये इनका जो वातावरण है, जो है इतने सारे आर्टिस्ट काम कर सकते, मतलब अच्छी तरह से ये करा, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप यहाँ पर पहुँचे इन बच्चों के साथ जिस तरीके से जो इन्होंने पेंटिंग बनाई है, क्या लगता है आगे कहाँ तक ये पहुँचेंगे बच्चे? हाँ, पेंटिंग इतने सारे देखे नहीं, अगर ठीक बहुत अच्छे लगे। हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना अनुभव और कलर का करने का आर्ट होता है, जिसे होता है कलर का विचार का भी अपना एक तरह का विचार होता है, उसके द्वारा कलर भी आ जाता है। तो पिछले 13 सालों से ये कला भूमि इस तरीके का कार्यक्रम कर रही है और आप यहाँ पहुँचे, क्या लगता कि आगे भी इनको इस देखो इन्होंने जो किया जो ये आनंद किया और सही है, आर्ट ऐसी चीज़ है ये बढ़ते ही जाता है, इसको अंतर नहीं है। आपने जो नाम दिया है बहुत ही सुंदर है और बहुत प्रॉपर है। आज कितने लोगों को आप लोगों ने यहाँ पर इस मंच से सम्मानित किया? जो अराउंडिंग देखिए, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो रामी सुतार जी हैं, जो कि पद्मभूषण पद्मश्री हैं, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है बनाया है। इसके अलावा अयोध्या में जो भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने वाली है, वो भी यही जो है बना रहे हैं। इसके अलावा नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर अद्विक नायक जी भी हमारे बीच में रहे हैं। इसके अलावा
सेलिब्रिटीज वाइज अगर हम बात करें तो करीबन हर इंडस्ट्री से हमारे पास में लोग जो है पहुंचे हैं, जिनका नोट अगर देखें तो करीबन उनका नाम से ही लोग उनको जो है पहचानते हैं। अच्छा, कला भूमि किस तरीके से सिलेक्ट करती है लोगों को, कैसे यहाँ पर वो आपसे जुड़े हो, कैसे उनको समझ आता है? देखिए, कला भूमि बेसिकली आज हमें 13 ईयर्स हो गए हैं, और 13 ईयर्स में हमने जो सफ़र तय किया है वो छोटे से गाँव से स्टार्ट किया था, उसके बाद आज अक्रॉस पूरे इंडिया से हमारे पास में जो बच्चे आते हैं, हर स्टेट से बच्चा है, आसाम, गुजरात और आपका मतलब अदर स्टेट्स बात करें तो यहाँ द्वारका में पीजी में रह के बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज टोटल कितने बच्चों को करीबन यहाँ 43 आर्टिस्ट हैं। क्या कितने दिन तक चलेगा ये? आपका 3 डेज का है, 28, 29, 30। आज जिस तरह से आपने बच्चों की कला को, प्रतिभा को प्रदर्शित किया है, एक आर्ट गैलरी के चलिए, कला भूमि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज बच्चों को दे रहा है और आने वाले समय पर कैसे ये मददगार साबित होगा? देखिए सर, एक्चुअली तो सभी के अंदर होता है, बट सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है लोगों को, उसी चीज़ की जो है तलाश में जो है निकले हैं, और आप लोगों की जो है ब्लेसिंग से वो जो सफ़र भी जो है तय हो रहा है। लास्ट हमारा रेडिसन में ही था, जिसमें हमने लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, हाई रेंज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, करीबन 4 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करो, इस बार भी हम एक रिकॉर्ड चेज करने जा रहे हैं। इस तरह के इवेंट कब से कर रहे हो? 13 ईयर्स हमारा जो है। ठीक, दिल्ली से आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव सिंह के साथ धर्मेंद्र कुमार की ये खास रिपोर्ट।